ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਾ ਜਾਫਰੀਆ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜ ਬੈਠੋ ਦੱਸ ਲੈ पंद्रवा पारा है सूरा बनी इसराइल आयत नंबर 78 मेरे खालिक दा कुरान मेरे मौला दा फरमान بسم الله الرحمن الرحيم اقيم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل والقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا ایدہ ترجمہ ہے اللہ فرمایا نماز قائم کرو جب سورج ڈھل جائے نماز قائم کرو جب رات چھا جائے نماز قائم کرو جب فجر کا وقت ہو وہ فرشتوں کی حضوری کا وقت ہے تفسیر کبیر وچ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر چھوٹی تفسیر نہیں وڈی تفسیر इमाम फखरुद्दीन राजी छेवीं सदी का मुफसर बरादर ने इस्लाम का बड़े राजी होकर लफ्ज लिखे उन्हें कहा सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 78 में अल्लाह ने नमाज के तीन वक्त बताए हैं फजर का अलग दस दिता तो फिर अल्लाह आख्या नमाज कायम करो जब सूरज ढल जाए ये जोर असर इकट्ठे नमाज कायम करो जब रात छा जाए ये मगरबी छा कट्ठी तो जो अहले सुन्नत आलमे दीन ने आख दिता है कि कुरान की इस आयत में तीन वक्त ने ते असी कठिया करके नमाजा क्यों ना पढ़िए ये कुरान की आयत नाल हदीस रसूल भी सुन लो सही मुस्लिम में बाबू सलाह ते नौ रवायतां ने एक पढ़ छड़ना हजरत अब्दुल्लाह बिन बात रती अल्लाह ताला तर्जमान हिब्रुल बा तर्जमान कुरान हिब्रुल बा अब्दुल्लाह बिन बास खिंदे ने जामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन सोहरे वल अस व बैन المغرب و شاف المدینہ ते बगैर साफरन व बिला खातरन व बिला खौफन कि नबी पाक ने मदीने शरीफ में जोर असरी कट्ठी पढ़ी मगर बिशा कट्ठी पढ़ी बगैर किसी उजर दे बगैर बारिश दे बगैर सफर दे ते जो रसूल कट्ठी करके पढ़ता गुलाम रसूल कट्ठी करके जिमें सही मुस्लिम जिमें सही मुस्लिम एवं वसायलू शिया शिया की किताब छटे लाल विलायत हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम भाई और हुक्म किया मैं इस वास्ते वजात कर रहा मोमन ए छेवें इमाम पाक इरशाद फरमाया जामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन ज़ुहर वल असर बे अज़ानैन व इक़ामतैन जामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन मगरिब वल इशा बे अज़ानैन व इक़ामतैन छेवें इमाम फरमांदे नबी पाक ने मदीने में जोर असर इकट्ठी पड़ी एक अजान ते दो कामता नाल ते मगर विशा इकट्ठी पड़ी एक अजान ते दो कामता नाल असी अलग अलग पढ़न नू नजायज नहीं आंदे लेकिन इकट्ठिया करके पढ़न दी ए शरीयत लो इजाजत एक सहूलत है उहदा फायदा उठाना चाहिए दीन एडा भी सख्त नहीं जिन्ना मलवाणिया कर छड़िया एडा भी सख्त जी हाँ मैं आ जा मैं काबे भी आना जरा एक मिनट है अभी तो इब्तिदाए इश्क है तो जो है तवज्जो है ना मेरी तरफ सारे एवे गुना हुक्म है बंदा खलो के नमाज नहीं पढ़ सकता तो बह के पढ़े शरीयत छूट है ना बह के नहीं पढ़ सकता तो लेट के पढ़े लेट के जिसम काम ना करे तो हाथ दे इशारे नाल पढ़े हाथ तो भी फल डिग जाए तो अख दे इशारे नाल पढ़े ये शरीयत विच ये छूट है ना इस तरह यह छूट है ए तुसी पिंड दे बंदे हो तो जिमीदारा हुंदा लोकां दा ज्यादातर है जी तो मैं उस सादा जी मिसाल देना अवाई शही करके जो जना घर आए तो आखे बाले दी अम्मा मैनू जरा मगर मैं पढ़ लई आ बाले दी अम्मा तकिया दही जरा मैं लक सीधा कर ला तो मगरब की नमाज पढ़ के लक सीधा करे तो उदो जाग आए जो बांगा पे आखे हला तो है तो इशा तो नीचे झोलो गई
ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਗਰਬ ਇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਵੇਂ ਫਜਰੀ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ਼ਾ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕੇ।